जब तक कड़ा कानून नहीं बनेगा, जब तक उनके ऊपर सख्त कार्यवाही नहीं होगी, तब तक ये केस ऐसे ही बढ़ते रहे। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो लाल किला में खड़े होकर इतनी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी कहाँ बच रही है आप बताइए। 2013 के बाद से आज ये 2022 है, जो बलात्कार का जो ग्राफ है वो बढ़ता गया है। क्यों? मैं यही चाहती हूँ कि बलात्कारियों को ऐसी या तो उनको पब्लिक के हवाले कर दिया जाए या उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि रूह कांपे, ऐसी सजा दी जाए कि रूह कांपे लोगों की देख करके। कि अब ये दिल्ली के अंदर इन द हार्ट ऑफ कंट्री एक दिन दहाड़े लड़की पर एसिड फेंक देगा कोई और लोग देखते रहेंगे? नहीं, कैसे दिखाएंगे उनको? भगवा दिखाने से फुर्सत है? उनको मोदी का चेहरा दिन में 1000 बार दिखाने से फुर्सत है? लगातार संघर्षरत है ये ऑल इंडिया की महिलाएं, जो हर एक मुद्दे पर। हमारा अभी 15 दिन से उत्तराखंड में ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन का आंदोलन चल रहा है और ये महिलाएं दिल्ली में लगातार एरिया एरिया में कैंडल मार्च निकाल रही हैं, एरिया एरिया में ये उस आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रही हैं जिस आवाज को दबा कर ये सरकारें हमारी बेटियों की हत्याएं कर रही हैं और दरिंदों को खुली छूट दे रही हैं। एक केस अभी अंकिता भंडारी का आप देख रहे हैं, एक केस आपने किरण नेगी का देखा जिसको सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह से बरी कर दिया गया, उन लड़कों को, उन दरिंदों को, जबकि निर्भया के केस में जब आवाज पूरे देश में उठी तो उसके हत्यारों को फांसी की सजा मिल गई, लेकिन किरण नेगी के, अंकिता भंडारी के और एक इसी तरह से पिंकी एक लड़की है और ऐसे ही अनेकों, चाहे वो हाथरस की बेटी है, चाहे वो इधर कैंट में हुई थी घटना 8 साल की बच्ची की वो बेटी है, अनेकों बेटियां रोज मर रही हैं, रोज निर्भया कुर्बान हो रही हैं और ये महिलाएं हमारी बेटियां बेटियों को बचाने की कोशिश में लगी हैं। तो अपना अपना परिचय देंगी मैडम और अपनी बात रखेंगे, बताइए। आगे आगे जी, मेरा नाम रोशनी चमोली है। बेसिकली मूल निवास हमारा उत्तराखंड है, लेकिन हम यहाँ मेहरौली वसंत कुंड से आए हैं और आज ये जो हम शराबबंदी के लिए बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखिए आपराधिक मानसिकता को रोकने का कारण है जो बहुत तरह के अपराधों को जन्म देती है। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि शराबबंदी होनी चाहिए, उसके कहीं ना कहीं नियम कानून होने चाहिए और महिला सुरक्षा पर जितने भी कानून आज तक जितने भी कानून सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और हमारे संविधान में बनाए गए हैं, उन्हें धरातल पर उतारने की जरूरत है, तभी महिला सुरक्षा की बात हम कर पाएंगे, अपने अधिकारों की बात कर पाएंगे। खाली महिलाओं को आप 50% रिजर्वेशन अगर आप राजनीतिक सत्ता में देते हैं और उसका अगर घर में अनादर हो रहा है, तो नहीं चाहिए हमें इस तरह की राजनीतिक सत्ता का अधिकार। जब हम अपने अधिकारों की बात नहीं कर पा रहे, हम अपने अस्तित्व को नहीं बचा पा रहे, हम अपने व्यक्तित्व पर रोज चोट खा रहे हैं, तो ऐसी सरकारों के जो कानून है हमें वो नहीं चाहिए। मैडम मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए लाल किले के प्राचीर से। बिल्कुल, लाल किले के प्राचीर से मोदी जी को 2 बार हमने प्रधानमंत्री बनाया, पूरे देश की महिलाओं को उनसे बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन मैं आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, वो सारे के सारे जो वादे हैं महिलाओं के प्रति सुरक्षा के, वो सारे खोखले साबित हुए, जुमले साबित हुए। मैडम मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं पर, थोड़ा धूप और इसके बाद में आप लोग आंदोलन कर रही हैं यहाँ पर। देखिए यही तो सबसे बड़ी बात है, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो लाल किला में खड़े होके इतनी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी कहाँ बच रही है, महिला सुरक्षा कहाँ है? आज हमारे समाज में बेटियाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ये जग जाहिर है, पूरे विश्व को पता है। मैडम बैनर तो बड़े बड़े लग रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के जगह जगह पर, और इसी दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ, महिला सुरक्षा के लिए हर गाड़ी पे आपको ये वाला नारा मिल जाएगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये यही तो हम आपको करें, सारे खोखले दावे हैं आप बताइए 2013 के बाद से आज ये 2022 है, जो बलात्कार का जो ग्राफ है वो बढ़ता गया है। क्यों?
क्योंकि हमारी जो कानून व्यवस्था वो बिल्कुल लचर व्यवस्था है। कानून में कोई ऐसे कानून नहीं बना गए, ना ही इम्प्लीमेंट हुए। अपराधियों को पलोसा जाता है, परोसा जाता है उनको, और उनको कोई सख्त सजा नहीं देती। अगर अपराधी मानसिकता के व्यक्ति को अगर हम फांसी की सजा दें तो दूसरे अपराधी को इस चीज की सबक मिलेगी, वो ऐसे कार्य नहीं करेगा, ये हमारा सोचना है। मैम अभी आप कह रहे हैं कि कड़े कानून नहीं बनाए, लेकिन दिल्ली महिला आयोग में और ऐसे पुलिस स्टेशन में इस तरीके का कानून नहीं था जो छोटे बच्चों के साथ होता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जैसे इस तरीके के जो है कानून लाए हैं आप। देखिए ये बात तो बैटर किया है ना? हाँ नहीं, ये बैटर किया है, लेकिन आप भी देखिए कई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ऐसे हो रहे जिनका हमारे हम लोगों को पता ही नहीं है। वो आप जैसी मीडिया है जो हमें बताती है, आप नेशनल न्यूज में देख लीजिए, कोई भी ऐसी नहीं। अभी 13 साल की लड़की का अब पता चला है, जबकि जो एसिड अटैक हुआ है, लेकिन जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो आप कह रहे हैं वो कितनी मीडिया बता रही है, नेशनल न्यूज में कोई है। अंकिता भंडारी का केस जो भी अगस्त में होता है, सितंबर 25 सितंबर को वो हुआ, जबकि एक महीने के बाद। तो ये जो जितनी भी मीडिया है वो बिकी हुई मीडिया है, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अरे यार, जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तब तक कभी दूसरे एक के बाद जो एक घटना यहाँ पर घटित हो रही है, हमारी बेटी खुद स्कूल जाती है, कॉलेज जा रही है, हम लोग इतना अपने आप को असहाय महसूस करते हैं जब बच्चा रात को नाइट जॉब करने के लिए लड़की निकल रही है कि कैब में भेज रहे हैं, क्या पता वो किस उसमें लौटे और उसके साथ क्या क्या हरकतें हों। जब तक कड़ा कानून नहीं बनेगा, जब तक उनके ऊपर सख्त कार्यवाही नहीं होगी, तब तक ये केस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। एक अभी घटता नहीं है कि उससे पहले नया केस एक और सामने आ जाता है, ये रोज का हो गया है। बस ये है कि पहले ये न्यूज़ होता तो ये पहले शुरू से ही आया है, पर यही है कि पहले ये बातें दब जाती थी, अब थोड़ा ये उछल उछल के आगे आ रही है आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से। मैं यही चाहती हूँ कि बलात्कारियों को या तो उनको पब्लिक के हवाले कर दिया जाए या उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि रूह कांपे, ऐसी सजा दी जाए कि रूह कांपे लोगों की देख करके कि कितना गलत जिन्होंने ये लोग करने जा रहे हैं। तेलंगाना में जैसे एनकाउंटर कर दिया गया था, ऐसे एनकाउंटर हो जाना चाहिए, पब्लिक के हवाले कर दो। जब नहीं हो पा रहा जज है हमारे माननीय जज की सच्चाई भी सामने आई थी, वो कोई और लोग थे जिनका एनकाउंटर हुआ था। मैं बताती हूँ, जब एनकाउंटर अगर राजनीतिक हित के लिए किया जाएगा कि भाई पब्लिक को चुप कराने के लिए किसी निर्दोष को उठाकर निर्दोष को गोली से उड़ा दिया जाए, ऐसा एनकाउंटर हमें नहीं चाहिए। हमें न्याय की प्रक्रिया के तहत दंड चाहिए, लेकिन वो प्रक्रिया इतनी लंबी ना हो कि इंटरनेशनल लेवल पर उछलने वाले निर्भया कांड में भी 8 साल बाद न्याय मिला। हमें न्याय 1 महीने के अंदर चाहिए, ऐसे नहीं कि उन्हें बचाने के लिए सारे प्रशासन और ये नेता जो जैसे अंकिता भंडारी के केस में कितने उपाय किए जा रहे हैं, वो बीजेपी के नेता के बेटे को बचाने के लिए कितने उपाय किए जा रहे हैं, इसी तरह से कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए कितने उपाय किए गए, इसी तरह आसिफा के रेपिस्टों को और हत्यारों को बचाने के लिए कितने किए गए, हाथरस की बेटी को मारने वालों के लिए कितने उपाय किए गए। ये उपाय खत्म होने चाहिए, न्याय मिले, तुरंत मिले और न्याय होता दिखे। ऐसा ना हो कि न्याय को मांगने वाले ही मर जाएं, उन्हीं को मार दिया जाता है। आजकल ये नया चलन चला है कि हत्या करने वाले को छोड़कर जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार की हत्याएं करने लग जाते हैं, उन्हें डराया धमका जाता है। उन्नाव में भी यही हुआ, आसिफा के उसमें जेएनके में जो आसिफा 8 साल की बच्ची के साथ हुआ वहां पर भी यही हुआ, इधर कैंट में भी यही हुआ, इधर अभी अंकिता भंडारी के परिवार के साथ भी यही हो रहा है। कुलदीप सेंगर ने तो पूरी फैमिली खत्म कर दी उस लड़की की, उसके पापा को, उसके वकील को, उसके भाई को, सबको। ऐसा रामराज हमें नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक सोसाइटी चाहिए जहां पुरुष और महिला बराबर हो, बराबर का हक हो, बराबर का सम्मान और प्यार हो, और बराबर का उसको न्याय भी मिले। ऐसा ना हो कि भाई किसी महिला के साथ अन्याय अत्याचार होता है, फैसला करने वाले पुरुष हैं और वो पुरुष जो है अपने घर की महिलाओं और बेटियों को उस जगह पर नहीं देखते जहाँ पर उनके साथ दूसरों की बेटियों का न्याय। अभी सुप्रीम कोर्ट से किरण नेगी के हत्यारों को कैसे बरी कर दिया गया, साक्ष्यों के अभाव में, साक्ष्य नहीं मिले इसलिए साक्ष्य इकट्ठे करने वाले भी पुरुष थे और वहां पर न्याय देने वाले भी पुरुष समाज था। तो ये जज को रिटायर कर दिया, तो इस तरह के इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, इस तरह के जो शातिर दिमाग इनकी ये है, इन्होंने अपराधों को बढ़ाया हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है
कि बिल्किस बानो के परिवार को मारने वाले 11 रेपिस्टों को मालाएं पहनाकर ये कहा जाएगा ये संस्कारी लोग हैं, उन्हें मिठाई खिलाई जाएगी, उनके बच्चों को इलेक्शन में जीतने के लिए खड़ा कर दिया जाएगा और वो जीत भी जाएंगे, टिकट भी मिल गया, जीत भी गए, जीत भी जाते। और ऐसी जब तक ये सत्ता में जाने की चाबी क्राइम बना हुआ है, संसद में 300 हत्यारे बैठे हुए, 300 रेपिस्ट बैठे हुए, 300 क्रिमिनल बैठे हुए, जब तक यही लोग हैं जो देखिए नाम हम बताएं, इससे आपको समझ के देखना चाहिए कि आप खुद नाम ढूंढें। ये मैं नहीं कह रही, आप तो खुद मीडिया हो, आपको तो पता होना चाहिए, ये खुद मीडिया ढूंढे, नहीं नहीं होना चाहिए। हम नाम किसका लें? कुलदीप सेंगर, सुनिए कुलदीप सेंगर के, कुलदीप सेंगर को या सुनिए, विनोद आर्या का बता दिया, और उसको साक्षी महाराज, क्या लेना है? सुनिए, साक्षी महाराज उसके कुलदीप सेंगर के पैर पूज रहे हैं कि तुमने हमें चुनाव में जिता दिया, हम तुम्हें धन्यवाद देने आए हैं। यूपी का चुनाव उन्होंने जिता दिया, बिल्किस बानो के रेपिस्टों ने और परिवार के हत्यारों ने गुजरात चुनाव जिता दिया, और अब 2024 के लिए पता नहीं कितनी हत्याएं होंगी, कितने बलात्कार होंगे, कितने रेप होंगे। लगता है कि महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बड़ा दीपिका की ड्रेस है ना अभी। देखिए ये क्यों करते हैं ऐसा, जानते हैं क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं कि आज महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वहाँ ध्यान न जाए, बेरोजगारी का जो आलम है वहाँ ध्यान न जाए, जो महंगाई आसमान छू रही है, लाखों स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कॉलेज करे जा रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, तो बीजेपी या दूसरी सत्ता में बैठी पार्टियां एक ही तरह का आचरण चल रही है, और ये चाहती है कि आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी ये कलर का मुद्दा उठाएंगे, कभी भगवा का उठाएंगे, कभी गाय का उठाएंगे, और कभी ये जाति और धर्म के मुद्दे उठाएंगे। ये असली भुखमरी, बेरोजगारी और ये महिला सुरक्षा, क्यों कोई समाज कैसे सुरक्षित रह सकता है जब उसकी बेटियां सुरक्षित नहीं है? आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भाई सुरक्षित रह जाएगा, कोई बाप सुरक्षित रह जाएगा, कोई पति सुरक्षित रह जाएगा जिसकी पत्नी के साथ रेप हो जाए, बहन के साथ रेप हो जाए, या किसी की बेटी के साथ रेप हो जाए, किसी की माँ के साथ रेप हो जाए, वो इंसान क्या लड़का या आदमी जो जिंदा रह पाएगा? वो भी असुरक्षित है, उसकी भी हालत बहुत खराब होती है, उसको धमकियां मिलती हैं, उसको मारा जाता है, उसको तो कई बार मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, समाज सुरक्षित नहीं रहेगा अगर बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। कोर्ट भी लचीलापन करता है, कोर्ट में भाई कौन बैठे हैं, कोर्ट के ऊपर कितने दबाव हैं, एक मिनट में कोर्ट अपने डिसीजन बदल देता है। जो जस्टिस लोया की हत्या कर दी गई, जानते हैं आप? आप तो जानते होंगे, जस्टिस लोया को मार दिया गया, उससे पहले 20 जजों के फटाफट ट्रांसफर कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वो जिसकी चार्जशीट देख रहे थे, जिसके वो तय कर रहे थे न्याय जिसके लिए, वो इस देश में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचे हुए लोग थे। अगर सच्चाई सामने आ जाती तो लोग थूकते कि भाई ये हत्यारे और ये इतने मतलब नरसंहार करने वाले लोग कैसे सत्ता में पहुंच गए? क्लीन चिट मिल गई ना, क्लीन चिट मिल गई जस्टिस लोया। क्या कुछ कानून है क्या? देखिए जब तक जनता खुद खड़ी होकर आवाज बुलंद नहीं करेगी, आज जैसे महिलाएं हजारों काम छोड़कर हम लोग बाहर निकलते हैं, किसानों ने जता दिया कि जब तक सड़क पर नहीं उतरोगे, इन फासिस्टों को, इन हत्यारों को, इन जालिम लोगों को काबू में नहीं लाया जा सकता, तो एक ही रास्ता है, वो है जन आंदोलन, महिला आंदोलन, छात्र आंदोलन, बेरोजगार युवा आंदोलन, और इसी तरह से महंगाई के खिलाफ आंदोलन। ये सारे आंदोलन जुड़े हुए हैं महिला सुरक्षा के साथ, क्योंकि महिलाएं साल गुजर गए मैडम, दसियों साल गुजर गए, सब फिर भी हाँ वही है मैडम, वही की वही है, और बदतर हुई है। क्यों? क्यों? क्योंकि अब ये दिल्ली के अंदर इन द हार्ट ऑफ कंट्री एक दिन दहाड़े लड़की पर एसिड फेंक देगा कोई, और लोग देखते रहेंगे, लोगों को तो वहीं पकड़ के, लोगों ने देखा नहीं होगा क्या? लोग देखते हैं, लेकिन ये समाज जिंदा लाश बन चुका है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर दहशत बैठा दी गई है। कोई रिपोर्टर, कोई जर्नलिस्ट अगर सच की आवाज़ उठाए उसे जेल में डाल देंगे। अभी आपने देखा होगा उसका ये जो न्यूज़ क्लिक का और दूसरे चैनल जो सच्चाई की आवाज़ उठाएंगे उन पर बैन लगा देंगे, जो इनकी गोदी में बैठकर इनके गीत गाएंगे उनको ये चलने देंगे, उनको तो ये खूब फंडिंग देंगे, NDTV को भी खरीद लेंगे, दूसरे चैनल। लेकिन आप लोगों के जिम्मे एक बहुत बड़ा काम है, और वो काम है सच की आवाज़ को
बुलंद करना। और कैसे देखती है मैडम, ऐसी में जो अभी हुआ है 13 साल की बच्ची के ऊपर एसिड अटैक हुआ है, लेकिन टीवी मीडिया में कहीं पर भी 17 साल की, हाँ नहीं दिखाएंगे, नहीं कैसे दिखाएंगे उनको, भगवान दिखाने से फुर्सत है? उनको मोदी का चेहरा दिन में 1000 बार दिखाने से फुर्सत है? उनको ये दिखाने से फुर्सत है कि भाई किसने कहाँ पर किस मुसलमान ने क्या किया, किसी बच्चे के? अभी अगर तीनों जो एसिड अटैक वाले हैं, अगर ये मुस्लिम हुए होते तो पूरे घर घर में कहानी सुन लेते आप, मीडिया पूरा दम साध के बिना सांस रोके उस पर चर्चाएं बहस करवाता। मैडम जरूर दिखाना मोदी जी को। हाँ बिल्कुल, वो तो वो शहंशाह कभी हिटलर भी था, कैसे खुद जाकर गोली मारी थी ना अंधेरे घर में, अंधेरे कमरे में जाके। इसी तरह से ये शहंशाह एक दिन के लिए हैं, लेकिन आने वाले समय में भी जनता जागरूक होकर शिक्षित होकर जब आवाज बुलंद करेगी तो इनको भी वही हाल में पहुंचा देगी। आपने कहा मुस्लिम, यानी कि जस्टिस क्या धर्म को देखकर मिल रहा है? आइए मनोरंजन धर्म को देख, हाँ अरबाज का देख लो ना, घर घर में नाम पहुँचा दिया इन्होंने, क्योंकि उसने 35 टुकड़े श्रद्धा के कर दिए थे। एक केस को तो ये दिन रात मतलब मालाएं जप रहे हैं, लेकिन जो हजारों केस रोज हो रहे हैं उनके लिए इनके मुंह में ताले लग जाते हैं। अंकिता भंडारी की एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, किरण नेगी के लिए एक बार भी चर्चा आयोजित नहीं करते हैं। करिए कभी, कोई चर्चा बहस नहीं करेंगे, लेकिन अरबाज पर करें। अरबाज ने बहुत गलत किया, अरे आफ्ताब, हाँ सॉरी। देखिए इस संसार में दो ही जातियां हैं, एक पुरुष के रूप में पैदा होता है, एक महिला के बेटी के रूप में पैदा होता है, एक बेटा पैदा होता है। जाति और धर्म के जो इन्होंने खड़े कर रखे हैं ना अड़ंगे, वो सिर्फ समाज को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, अपनी तिजोरियां भरने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए हैं। हम नहीं समझते कि उसने क्या नाम आफ्ताब ने सही करा, सबसे घिनौना काम किया, लेकिन अकेले आफ्ताब ने किया क्या? अंकिता भंडारी को मारने वाले उसने नहीं किया, वो क्या नाम था उसका, जो वो जो आर्य जो था, उसको उसने नहीं किया। वो तो कह रहा था कि तू दूसरे आदमी के साथ जा, तू उसको सेवा दे, और वो इतनी खुद्दार थी कि उसने कहा मैं नहीं जाती, तो उसको मार दिया, और क्या पता किस तरीके से मारा होगा। देखिए समाज में जब नैतिक गिरावट आती है, नैतिकता जब गिरती है, तो कुछ भी तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन ना हम लिविंग इन रिलेशनशिप को अच्छा मानते हैं, ना हम आफ्ताब के काम को अच्छा मानते हैं, और ना ही हम अंकिता भंडारी, किरण नेगी और हाथरस की बेटी या सेंगर को के कुकर्मों को अच्छा मानते हैं। ये सब चीज़ें एक तरीके से अन्याय और अत्याचार का हिस्सा है, जिसको हम घटित नहीं होने देंगे, और हम लगातार इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे और जन आंदोलन खड़ा करेंगे।